हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखा कि टेक्स्ट बॉक्स की सिंटेक्स क्या होती है और टेक्स्ट बॉक्स HTML में कैसे शो करवाते हैं। हमारी सेकंड फील्ड है टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट एरिया क्यों यूज़ होता है? तो अगर हमें मल्टीपल वैल्यू, एक लाइन या दो लाइन की वैल्यू अगर हमें इंसर्ट करवानी है, डेटा सबमिट करवाना है, लाइक एड्रेस। एड्रेस में क्या होता है कि मल्टीपल फॉन्ट्स होते हैं। ये हमारा जो टेक्स्ट एरिया है, इसमें हम एक ही लाइन लिख सकते हैं और टेक्स्ट एरिया में हम मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं, उसमें रो और कॉलम आती है। इसलिए तो टेक्स्ट एरिया के लिए क्या सिंटैक्स है? तो टेक्स्ट एरिया के लिए सिंटैक्स है, टेक्स्ट एरिया टैग है उसका और टेक्स्ट एरिया ओवर। मीन्स कि अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स लेना हो तो टेक्स्ट बॉक्स की सिंटैक्स है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। और टेक्स्ट एरिया अगर लेना हो तो टेक्स्ट एरिया स्टार्ट करना है, मीन्स वहाँ पर इनपुट टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है, खुद का टैग है टेक्स्ट एरिया HTML का। टेक्स्ट एरिया स्टार्ट करना है और टेक्स्ट एरिया ओवर करना है, तो इससे हमें टेक्स्ट एरिया मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक के नीचे टेक्स्ट एरिया बनाते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट एरिया स्टार्ट और टेक्स्ट एरिया ओवर। अब रिलोड करते हैं ब्राउज़र को, तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट एरिया हमें दिखाई दे रहा है। तो टेक्स्ट एरिया के लिए सिंपल सिंटैक्स है, उसका HTML का टैग ही है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया स्टार्ट करना है और टेक्स्ट एरिया ओवर करना है। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड है पासवर्ड। उससे पहले हम टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट एरिया में डिफरेंस समझ लेते हैं। अगर हम टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हैं तो यहाँ पर मैं कुछ लिखूँगा, लाइक 100 कैरेक्टर होंगे, तो यहाँ पर मुझे पहले के कैरेक्टर देखने होंगे तो आगे जाना पड़ेगा। अगर मैं टेक्स्ट एरिया यूज़ करता हूँ और 100 कैरेक्टर लिखता हूँ यहाँ पर, तो मुझे बैक जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मैं स्क्रॉल करके उसको पढ़ सकता हूँ। यहाँ से मैं स्क्रॉल करूँगा तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं पढ़ सकता हूँ, इसलिए हमें टेक्स्ट एरिया यूज़ करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड है पासवर्ड के लिए। अब टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड में सिंटैक्स थोड़ी चेंज है। पासवर्ड में सिंटैक्स है इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। ये क्यों लिखना है? अगर हम टेक्स्ट बॉक्स लिखते तो भी हम पासवर्ड लिख सकते, लेकिन इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड हमें क्यों लिखना है? तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड लिखा मैंने, तो हमें क्या आउटपुट मिलता है? इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, दोनों में टेक्स्ट बॉक्स ही आएगा, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या आएगा तो आउटपुट में हम देखते हैं। अगर हम टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी लिखते हैं तो हमें कैरेक्टर दिखते हैं, यहाँ पर कैरेक्टर दिखेंगे नहीं, हमें पासवर्ड में डॉट डॉट नज़र आएगा, क्योंकि हम जब पासवर्ड डालते हैं तो किसी को दिखाना नहीं होता है कि हम क्या पासवर्ड में डाल रहे हैं, इसलिए हमें इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड यूज़ करना है। तो टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया और पासवर्ड ऐसे फील्ड है जिसमें यूज़र इनपुट करेगा, मीन्स कि यूज़र कुछ लिखेगा। नेक्स्ट जो फील्ड आएंगी सारी, उसमें यूज़र इनपुट नहीं करेगा, यूज़र सिलेक्ट करेगा और उसको डेटा वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।